Learned and important invitees in front, and dear students. पहले तो मैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज साइंसेज वाराणसी को बधाई देना चाहता हूँ. एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे उन्होंने ये संगोष्ठी जो है आयोजित की है. महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के परिवेश में गीता उस समय तो सार्थक थी ही कि जो आदमी हथियार डाल दिया उसको जो है जिंदा करके खड़ा करके कहा लड़ाई लड़ो, और कितने मारे गए, अनगिनत मारे गए. और आज के संदर्भ में रोज मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई अर्जुन बन के खड़ा नहीं होने के लिए तैयार है. मैं अपने लर्नेड प्रीसीडिंग स्पीकर से थोड़ा मतभेद रखते हुए, गीता एक बुक नहीं है, ये एक एपिक है, ग्रंथ है. ये विजडम का रिपोजिटरी है. ये कैसे जीवन को बिताना है, कैसे जीवन को सार्थक बताना है बनाना है, कैसे जीवन को सफल बनाना है, उसकी एक बहुत अच्छी सीख है. इट्स ए लेसन इन दैट डायरेक्शन. और ये सार्थकता इसकी हजारों साल से चली आ रही, हजारों साल तक बनी रहेगी जब तक कि मानवता जिंदा रहेगी. मैं इस संस्था के मैनेजमेंट के दो प्रमुख व्यक्तियों का मेंशन करना चाहूँगा, जिसमें चेयरमैन श्री एस के सिंह जी हैं और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर एमपी सिंह हैं. इनका विशेष जोर रहता है कि कुछ ऐसा किया जाए अपने संस्था में जो कि लीक से हट के हो. और दिस स्पिरिचुअल सेंटर एंड ह्यूमन एनरिचमेंट जो एसएमएस का एक अंग है, उसने इस विषय पे ऑर्गेनाइज किया है. संदीप जी, आपने दोनों गलत किया, एक पे करना चाहिए था. एक साल आप कर लेते गीता पे, अगले साल रामायण पे करते. दोनों के अप्रोच में फर्क है. गीता जो है वो भगवान कृष्ण के चरित्र से निकला है, जिसमें 16 कलाएं थीं. भगवान राम के चरित्र में 12 ही कलाएं थीं, और वो 4 की कमी जो है वो बहुत ही बहुत फर्क डालता है. वो माँ सीता के लिए अकेली स्त्री थी, वहाँ 16,000 क्या क्या कितनी स्त्रियाँ थीं. तो आप दोनों इकट्ठा करके गलती किए हैं. आइंदा आपको मैं सलाह दूंगा, अगला जो है रामायण पे करें प्योर. आज के युग में ज्यादा उसकी जरूरत है. अब चूंकि इन लोगों ने बुलाया है, कुछ बोलना पड़ेगा सार्थक. और जो कुछ बोल दिया हमारे प्रीडिसेसर उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, ना उस पर कमेंट करूंगा, वो कि कई बिंदुओं पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं. हर आदमी लीडर नहीं हो सकता. उन्होंने कहा एवरीवन इज लीडर. हर आदमी कैसे लीडर होगा भाई? एक लीडर बनता है जब फॉलोअर्स होते हैं. सभी लीडर हो जाएंगे तो एक घर क्यों चलता है? एक मालिक होता घर का, वो लीडर होता, बाकी फॉलोअर्स होते हैं. तो सभी मालिक हो जाएंगे तो उस घर की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं. जो घर की लक्ष्मी है वो जाके किट्टी पार्टी में रात के 10-11 बजे आती है,
तो भोजन कौन बनाएगा भाई? वो कहा मैं भी लीडर हूँ, आप भी लीडर हैं, ये नहीं चलता है। इसीलिए मैंने कहा रामायण और ये महाभारत और राम ये अलग अलग कीजिए। चलिए अब मैं वहाँ चलता हूँ, आप लोग पढ़ लेंगे लास्ट वाले भी। फर्स्ट नो दाई सेल्फ, सबसे बड़ी जो चीज कही गई गीता में कि अपने आप को पहचानो आप हो क्या। और लीडर के संदर्भ में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क क्या होना चाहिए? अगर आप ये समझते हैं कि हम एम्प्लॉई हैं, ये मैनेजर हैं, ये नहीं चलेगा। हम सब सहभागी हैं। अगर SMS को आगे बढ़ाना है, BHU को आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है, तो ये मत सोचिए कि हम तो भाई वोटर हैं। मोदी जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर, तो मोदी जी को भारत आगे बढ़ाना। आम शाहीन बाग में बैठ के नारा लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। सब सुन रहे चलो। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम वहां से इशारा कर रहे थे यार टाइम मैनेजमेंट करो, 2 बजे लोग भोजन के लिए उठना, अभी बहुत से लोग ऐसे ऐसे मोबाइल पर कर रहे हैं। तो ये जो एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क है इसकी एक डिसिप्लिन होती है। जिस आदमी का परिवार सुखी नहीं होगा उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क ठीक नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। रुक्मिणी जी वगैरह घर देखती थी, बलदाव जी राज्य देखते थे और कृष्ण भगवान चारों तरफ जो है भ्रमण करते थे। तो जहां ज्वाइंट फैमिली, आजकल ज्वाइंट फैमिली है ही नहीं है, बेटा शादी हुई बाप और माँ से अलग हो गया। द्विवेदी जी आप तो दोनों मॉडर्न मैनेजर भी हैं और साथ में जो है पुराने विचार के भी हैं। तो ये जो वर्क कमिटमेंट निष्काम कर्म, इस निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि सैलरी के बगैर काम करें। निष्काम कर्म का ये भी मतलब नहीं है कि रोज जो है दुत्कारे जाओ और काम करो, ऐसा नहीं है। निष्काम का मतलब है कि ये समझ के कि अगर हमारा जन्म हुआ है इस धरती पे, हमें कुछ करना है और अच्छा करना, वो करना है जो हमें अपने में संतुष्टि प्रदान करे, परिवार का नाम हो, हमारी बिरादरी का नाम हो, हमारे धर्म का नाम हो, हमारे देश का नाम हो। इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू नो, एंड इट हैज टू बी डन विद एथिक्स, वर्क एथिक्स। बिलो द टेबल पैसा लेके काम कर दिया, अच्छे आदमी को दौड़ा रहे हैं 10 बार, उसमें ये कमी नहीं, वो सर्टिफिकेट नहीं है, ये लाओ, और काम फिर भी नहीं हो रहा। टिपिकल एग्जाम्पल इज दिस निर्भया मर्डर केस, 12 का केस और 2020 तक। अच्छा हुआ आपने एक जो है ब्यूरोक्रेट भी इनवाइट किया, एक जज भी बुलाना चाहिए था। अब मैं आई एम वेरी सीरियस अबाउट दीज आर वेरी प्रैक्टिकल इश्यूज, इट डिमांड्स फॉर थॉरो ओवरहॉल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम हाय हाय करेंगे, ट्रांसपोर्ट मूवमेंट को रोक देंगे, ये कौन सी भाई फंडामेंटल राइट है? ये तो गलत है ना। ये देन डिस्कवर ट्रू पोटेंशियल। क्या हर एक लीडरशिप तो हर एक में नहीं है, पोटेंशियल हर एक में होती है, हर आदमी।
किसी न किसी चीज में महारत होती है. देन यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, उसमें समय भी है और समय के साथ संसाधन भी है. समय संसाधन में समय ये बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन. और राइट काइंड ऑफ विजन. एक समय था कि पाकिस्तान इंडिया के सोल्जर्स के पांच पांच हेड्स काट के ले जाता था. आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि इंडिया को आंख दिखा सके और दांत दिखा सके. ये लीडरशिप थी. एक समय था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट या कोई भी आता था तो इंडिया जाता था तो पाकिस्तान जरूर जाता था. ये पहला मौका है कि प्रेसिडेंट आ रहा है और हिंदुस्तान आ रहा है, यहीं से लौट जाएगा. ये लीडरशिप होती है. अब कोई कहे मोदी के चापलूस हैं, अरे जो करके दिखा दिया हम उसकी जो है वर्णन कर रहे हैं. दिखाया है ऑन ग्राउंड. जो बनारस के लोग हैं जानते हैं क्या बनारस था और क्या ये वाराणसी बन गया आज. देन मैनेजमेंट नीड्स दोज हु प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच. कथनी और करनी में जो है सामंजस्य होना चाहिए. दे शुड नॉट बी एट वेरियंस. कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं. किसी ने कहा कि पार्लियामेंट में दो ही शब्द हैं, यस और नो. रूलिंग पार्टी कोई काम करेगी यस, तो अपोजिशन उसको नो जरूर कहे. आप बजट देखें, बढ़िया बढ़िया बजट, नो इसमें क्या है, ये नहीं है. ये एटीट्यूड से नहीं काम होगा. जो अच्छी चीज है अच्छी है. अगर घर में बहू आती है शादी होके, सुबह उठ के आपको चाय पिला दे तो बहुत अच्छी चीज, इसकी तारीफ करनी चाहिए. ठीक है, हम सब उसी स्टेज में हैं. देन सिक्स, ह्यूमन वैल्यूज फ्रॉम भगवद गीता, रेलेवेंस फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट. एक तो आइंदा से डायरेक्टर साहब ये बड़ा ये जगह यहाँ होनी चाहिए. वो उधर अलग, इधर अलग, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान लाइक दिस. आप इसको सेंटर में रखिए. ये अरेंजमेंट ठीक नहीं है. अहंकार नहीं होना चाहिए. अनाहंकार, एब्सेंस ऑफ अहंकार. देन अनासक्ति, आसक्ति नहीं होनी चाहिए. ये SMS जो है SK सिंह, MP सिंह, दे आर ओनर्स आर व्हाट. ये अगर जो सोचे कि ये हमारा है, ओनरशिप पेपर पे है, सो व्हाट. इसकी आसक्ति नहीं होनी. ये एक संस्था है. इट शुड बी अप्रोच्ड मैनेज्ड इम्पर्सनली. अच्छे डायरेक्टर हो, अच्छे स्टाफ टीचिंग स्टाफ हो, अच्छे विद्यार्थी हो, अच्छी लाइब्रेरी हो, ये हमारी जो है कर्तव्य है एज ओनर. बट द फैक्ट शुड बी, इट शुड बी अ गुड इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल वुड लव टू कम एंड ज्वाइन एंड स्टडी, डू रिसर्च. ये जो है फैक्ट है ऑफ द मैटर. ओनरशिप इज ओनली ऑन पेपर. एंड देन तत्व ज्ञान और अर्थ दर्शन. एंड देन स्थैर यात्म. ये चार जो हैं इसके पिलर्स हैं गीता के.
जो अगर हम प्रैक्टिस करें तो अच्छी लीडरशिप हम दे सकते हैं। अब ये तो हो गया खाली हमारा प्रेजेंटेशन, टाइम हो गया तो मैं यहीं से स्टॉप करूँ। नहीं है यार, कहाँ टाइम। चलो भैया आगे चलो, आगे चलो। श्रीमद् भगवद गीता, वन ऑफ द एंशियंट इंडियन स्पिरिचुअल टेक्स्ट इज द भगवद गीता विच प्रोवाइड्स द इसेंस ऑफ वेदास। जो वेदों में लिखा गया है, कहा गया है, ये उसका निचोड़ है। इट वॉज डिलीवर्ड बाय लॉर्ड श्री कृष्णा टू अर्जुना इन कुरुक्षेत्र इंडिया, द बैटल ग्राउंड ऑफ महाभारत। अब देखिए कैसी विडंबना है कि लड़ाई के मैदान में ज्ञान की बात हो रही, कोई क्लासरूम में नहीं हो रही है, इस तरह के हॉल में नहीं हो रही है, लड़ाई के मैदान में। और दोनों तरफ से फौजें तैयार हैं एक दूसरे को मारने के लिए, लेकिन एक लीडर, एक वॉरियर हथियार डाल देता है, कहता भाई हमने अपने आदमियों को क्यों मारूं, क्या मुझे मिलेगा, क्या मैं लेके जाऊंगा। वहां पे ज्ञान देते हैं कि ये आपका जो है, दे आर ऑल डेड, इट इज डेस्टिन्ड। किसी ने सोचा था कि मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे, अभी नहीं सोचा था। इट वॉज डेस्टिन्ड। जिस आदमी को एक ऑर्डिनरी पार्टी सेक्रेटरी से चीफ मिनिस्टर बनाया गया, एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा, पंचायत का भी, सीधे चीफ मिनिस्टर, एक भी एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ा, सीधे प्राइम मिनिस्टर, ये डेस्टिन्ड है। ये गवर्नमेंट में काम करते थे, डेस्टिन्ड था एक संस्था स्थापित करेंगे, आपके कुंडली में होगा, दिखवा लीजिए, दिखवा लीजिएगा। एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड। भगवान कृष्ण ने कहा देखो मेरे मुंह में सब मरे हुए, खोल के दिखा दिया, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, ये होना है लेकिन तुम्हारे हाथों से। ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं कि ये निष्काम कर्म है। आप कह सकते हो कि भाई ये तो लिखा हुआ था, मैं तो एक माध्यम था, मेरे माध्यम से हुआ ही। द बैकग्राउंड फॉर भगवद गीता इज द एपिक महाभारत। नेक्स्ट, भगवद गीता श्लोकास मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ द मैन, मैन इंक्लूड्स वुमन ऑल्सो। द फिलॉसफी ऑफ भगवद गीता शुड नॉट बी व्यूड from a spiritual perspective only, but also as a guide in developing managerial leadership and thereby managerial effectiveness. It is said, a leader who is in the sense of a corporate leader, normally in management institutes we talk of corporate leader, but ordinarily a leader can also be non-corporate leader. And the beginning starts from family, household, the wife, the mother, the grandmother, they are the managers of the family, but they are not leaders. They manage the household. But the leader is the mukhiya, ghar ka mukhiya, he is the leader. He has to interact with the masses, with the people. So when we talk of leadership, there is always the implication of following. And following for a purpose, following for a goal, following for an objective. और उस ऑब्जेक्टिव को कितने प्रभावी ढंग से हम प्राप्त करते हैं, वही इफेक्टिवनेस। विच मीन्स दैट ऑल स्टेक होल्डर्स
जिनका जिनका हित निहित है उन सबको उससे फायदा हो, उसी को कहते हैं लीडर। गुड, नेक्स्ट, आगे बढ़ो यार। द बैकग्राउंड ऑफ भगवद गीता, द सेटिंग ऑफ द गीता इज सिंबॉलिक ऑफ द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज सिंबॉलिक ऑफ द बैटल फील्ड विद इन ऑल ऑफ अस। ये रोजाना हम फेस करते हैं, रोजाना कुरुक्षेत्र हमारे अंदर होता है, रोजाना द्वंद्व हमारे अंदर होता है, रोजाना ऑप्शंस होते हैं डू नॉट टू डू, वो एक बैटल है। इवन दो द गीता इज द रिकॉर्ड ऑफ डायलॉग सेंचुरीज अगो, इट इज रेलेवेंट टू एनी एज सिंस इट एड्रेसेस फंडामेंटल क्वेश्चंस that arise in the human mind and heart. Peter Senge, one of the most prominent management thinkers of our time, has quoted the Gita in his fifth discipline. Fifth discipline is a book. And presence is also a book in the context of leadership. Next. Relevance of truth in present day. The Bhagavad Gita written centuries ago enlightens us on all managerial approaches and formats, leading us towards a harmonious and blissful state of affairs in place of the conflict, tensions, poor productivity, absence of motivation, and so on, common in most of our organizations today. And probably in many other countries. The whole Gulf Muslim world is at war with one another. The entire Muslim world. Then Russia and US, they are again at old stage of Cold War. China along with North Korea, they are at war with the rest of the world. So in what kind of setting we are living? Itna hum chand pe ja rahe hain, space ko explore kar rahe hain, वहाँ पे कह रहे हैं 5-10 साल में वहाँ पर जा करेंगे लोग टूरिज्म के लिए, बट वेयर इज द पीस? हो गया बस बहुत। तो आप कह रहे थे टाइम है, मैं जानता था टाइम नहीं है, 2-3 मिनट निकल गया समझे। तो मैं आपको खाली दिखा देता हूँ, मैं लैंडस्केप। हाँ जी, आगे चलो। रेलेवेंस ऑफ ट्रूथ इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट, नेक्स्ट। Relevance of teamwork, next. Relevance of leadership, next. Then relevance of truth in present day continued, but there is one major difference, and that is the material, external, and peripheral levels. So the Bhagavad Gita tackles the issues from the grassroots level of human thinking. Once the basic thinking of man is improved, it will automatically enhance the quality of his actions and their results. Next. Bhagavad Gita and managerial effectiveness, next. First, know thyself, aapne bhi kaha. Next. Attitude towards work must be positive and cooperative and collaborative. Next. Work commitment, nishkam karma. Next. Nishkam karma continued, these are, you know, the components of nishkam karma: karma yoga, jnan yoga, sankhya yoga, buddhi yoga, and atma. Next. Nishkam karma continued, next. Now these are, you know, work ethics, personal qualities, daivi work culture and asuri work culture. And impersonal qualities, again daivi and asuri. Next, work ethics continued, yoga, karmasu, kaushalam, elaboration of that. Next,
discover true potential of a person. Next. Next. Utilization of available resources. Next. Management needs those who practice what they preach. Kathani aur karni mein antar nahi hona chahiye. Next. Anankara. Absence of ahankar. Next. Then anahankara ho gaya. Next. Non-attachment. कोई चीज है अच्छा किया है तो उसे अटैच मत होइए मेरा क्रिएशन नेहरू गांधी फैमिली का भारत नहीं है इंडिपेंडेंट इट्स इंडिपेंडेंट दे कंट्रीब्यूटेड देयर बेस्ट वी एडमायर देम वी एडमायर गांधी जी आल्सो नेक्स्ट तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन नेक्स्ट नेक्स्ट ये है स्थायात्म स्टेडफास्टनेस Next. Thank you. Thank you, sir. Ram Charit Ma-